नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं हनुमानगढ़ एरिया से एक बड़ी अपडेट। एक क्विंटल डोडा पोस्ट के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, कार में 5 कट्टे में रखा था। एडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। सदर थाना पुलिस ने 2 डोडा पोस्ट तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार में 1 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद किया। कार्रवाई जिला विशेष दल के सहयोग से रोही उत्तम सिंह वाला में गश्त के दौरान की गई। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सदर थाना प्रभारी लखबीर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कार में 2 लोग पोस्ट की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर सदर पुलिस थाना प्रभारी एएसआई लखबीर सिंह गिल टीम के साथ रोही उत्तम सिंह वाला में यूटीएस नहर के पास पहुंचे और कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में प्लास्टिक के 5 कट्टे रखे हुए मिले। प्रत्येक कट्टे में 20 किलो डोडा पोस्ट भरा हुआ था। पुलिस ने 5 कट्टों में भरा कुल 1 क्विंटल पोस्ट बरामद कर कार सवार गगनदीप सिंह उर्फ गग्गू पुत्र कौर सिंह निवासी वार्ड 10 उत्तम सिंह वाला और मांगीलाल पुत्र धर्मपाल जिनांगल निवासी वार्ड 11 उत्तम सिंह वाला को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कार जब्त कर ली। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की जांच टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण कर रहे हैं। इस कार्रवाई में डीएसटी की विशेष भूमिका रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी गगनदीप सिंह उर्फ गग्गू का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज है। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।